आप देख रहे हैं सनातन फर्स्ट और मैं हूं विशाल। बीजेपी एमएलए हरिभूषण ठाकुर ने आसमानी लोगों के खिलाफ एक बयान दिया जिसे विवादित बताया जा रहा है। पहले वो वीडियो देखिए और तय कीजिए कि इसमें विवादित क्या है, उसके बाद आगे की बात। वो जनसंख्या के हिसाब से आप छोड़ रहे हैं, जनसंख्या के हिसाब से उनको भागीदारी दिया जाए, इस पर मेरा कहना है कि 1947 में देश का विभाजन हुआ धर्म के नाम पर, उनको दूसरा देश मिल गया, वो दूसरे देश में चले जाए। अगर यहाँ रह रहे हैं तो मैं सरकार से मांग करता हूँ कि उनके वोटिंग राइट को समाप्त कर दिया जाए और वो दूसरे स्तर के नागरिक बन के भारत में रह सकते हैं। वो ऐसा क्यों करें, आपको लगता है कि इसके पीछे कुछ एजेंडा है? बिल्कुल एजेंडा है, आईएसआई का एजेंडा है, इस्लामिक स्टेट बनाने का एजेंडा है। जहाँ रह जाएंगे, अफगानिस्तान में क्या कर रहे हैं, अफगानिस्तान को देखिए, पाकिस्तान को देखिए, ये मानवता के दुश्मन है। लेकिन आप कहें कि हाँ वोटिंग राइट अब छीन लेंगे? निश्चित वोटिंग राइट जरूर छीन लिया जाए। आपको लगता है कि अब वो अल्पसंख्यक हैं? जी नहीं, वो अल्पसंख्यक है ये नहीं है। और अल्पसंख्यक शब्द भारत के संविधान के साथ भी मजाक है। अच्छा, क्योंकि उसके प्रस्तावना में लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग, फिर अल्पसंख्यक कौन, बहुसंख्यक कौन? अच्छा, विधानसभा का सत्र भी चलेगा, फिर से वो राष्ट्रगीत का विद्रोह करेंगे, कहें कि राष्ट्रगीत ना गाया जाए? इस पर निश्चित रूप से जो नहीं गाएंगे, और ये विधानसभा के अध्यक्ष का निर्णय होता है, और विधानसभा के अध्यक्ष का निर्णय अगर कोई नहीं पालन करता है तो माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी उनके सदस्यता को रद्द कर देंगे। बिल्कुल अपमान है। और राष्ट्रगीत में क्या है, जल की वंदना है, भूमि की वंदना है, वृक्ष की वंदना है, पुष्प की वंदना है। अगर ये नहीं करेंगे तो फिर पानी नहीं पिए। वो कह रहे हैं राष्ट्रगान से नहीं, राष्ट्रगीत से। उन लोगों का एजेंडा है, वो लोग अपने एजेंडा पर काम करते हैं। अपना एजेंडा ला रहे हैं कौन? हमारा देश है तो अपना एजेंडा नहीं चलावेंगे? ये देश हमारा है, उनको तो देश दे दिया गया। क्या एजेंडा है उनका? क्या उनका क्या एजेंडा? उनका एजेंडा है जो संपूर्ण विश्व को इस्लामिक स्टेट बनाना, उनका एजेंडा है। अब जो इन्होंने बयान दिया है, एक समय गिरिराज सिंह, साक्षी महाराज जैसे लोग इस तरह के बयान दिया करते थे, लेकिन अब आपने सुना है कि वो ऐसा बयान दे रहे हो, वो शांत कर दिए गए। यह हरिभूषण ठाकुर है जो अब इनके खिलाफ चौतरफा हमला होगा। चौतरफा हमला हो तो समझ आता है मामला बिहार से जुड़ा हुआ है, तो तेजस्वी यादव इसके खिलाफ मुखर होंगे ही होंगे, प्रधानमंत्री से जवाब मांगा जाएगा। तो अब सवाल ये भी है, क्या प्रधानमंत्री इन्हें अपने दिल से माफ कर पाएंगे? क्योंकि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कहा था कि नाथूराम गोडसे देशभक्त है, जिसकी वजह से उन्होंने बोल दिया कि मैं इन्हें अपने दिल से कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। अब बड़ा सवाल ये भी है, क्या अगले चुनाव में इनको टिकट भी मिलेगा या नहीं मिलेगा? ये क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि जितने हिंदुवादी थे या तो उन्हें समझौता करने पर मजबूर कर दिया गया या तो फिर उन्हें खत्म करवा दिया गया। यही एक सच्चाई है। और जुमला एक्सप्रेस का ईंधन हिंदुओं का खून है, इस सच्चाई को आपको स्वीकार करना पड़ेगा। आज क्या है कि तुष्टिकरण का चैंपियनशिप चल रहा है, लेकिन आज भी मेरा मानना है, मेरा क्या मानना है, अगर आप भी इस तरह से सोचना शुरू कर दें, इनकी नीतिगत फैसलों के ऊपर आप स्टडी करें, तो आप भी इस कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि तुष्टिकरण का बिराज बादशाह नरेंद्र दामोदर दास। आज भी इनके इर्द गिर्द कोई नहीं आता, क्योंकि इतना बड़ा तुष्टिकरण करने वाला नेता मानव इतिहास में हुआ ही नहीं। अब जो हरिभूषण ठाकुर ने बयान दिया है वो एक कड़वी सच्चाई है, लेकिन सच्चाई बोलने वालों के साथ क्या भारतवर्ष में होता है वो आप देखते रहें। अब ये देखने वाली बात होगी कि वो अपने बयान पे कब तक कायम रह पाते हैं, क्योंकि कोशिश पूरी की जाएगी कि उनसे माफी मंगवा ली जाए अगर टुकड़े टुकड़े गैंग पीछे पड़ गया तो। कुछ समय पहले तेजस्वी सूर्या का अपने बयान सुना होगा कि अब धर्मगुरुओं का दायित्व है कि वो घर वापसी कराए। बाद में उन्होंने कहा कि मेरी बातों से ज्यादा विवाद बढ़ रहा है, इसलिए मैं अपनी बात वापिस लेता हूं। तो एक पूरा जो सिस्टम है, जो कहा जाता है टुकड़े टुकड़े गैंग, उसका हिस्सा हर कोई है, कोई प्रत्यक्ष तौर पर, कोई अप्रत्यक्ष तौर पर। बाकी जिंदा रहें तो फिर मिलेंगे, और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे, मिलना जुलना जारी रखें। लेकिन हाँ, मास्टर स्ट्रोकवादी बिल्कुल भी